आप आए हैं यहाँ पे, आपने 132 नाला सुपारा से आपने नामांकन किया है, क्या विश्वास लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि 100% महायुति का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नाते, इस मेरी जीत तो है लेकिन यहाँ की मतदाताओं की जीत है, हर मतदार यहाँ का आमदार बनेगा, हम उनकी समस्या मेरे तरफ आएगी, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करूंगा और यहाँ के लोगों को जो जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से हल करने का प्रयास करूंगा, मैं हल करूंगा ही, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नाला सुपारा में हॉस्पिटल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सारी जो समस्याएं आप देखने को मिल रही है, क्या विजन लेकर आए सर, क्या कहेंगे जनता को, क्या आश्वासन देंगे? हमारा एजेंडा यहाँ का लोगों को, यह नाला सुपारा विरार के लोगों को अच्छी नागरिक सुविधा देने का है, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल महापालिका का और राज्य सरकार का भी अच्छा हॉस्पिटल यहाँ बनना चाहिए, यहाँ आरओबी MMRDA के तहत यहाँ आरओबी जो 3-4 आरओबी की आवश्यकता है वो तुरंत बनना चाहिए। आप बाजू में देख रहे हैं नारंगी का आरओबी का गत 15-20 साल से काम चालू है, यहाँ महाड़ा के जगह में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसके एडवर्टाइज भूमि पूजन इतना किया था बड़ा कि बाबा रे विश्व का सबसे बड़ा यहाँ स्टेडियम हो रहा है, ऐसा जो भूमि पूजन हुआ था, लेकिन आज भी 8 साल से वो जो कि त्यों है, ऐसे ट्रैफिक की समस्या है, नाला सुपारा विरार में जो एक ब्रिज कभी बनाया था उसमें छोटी गाड़ियाँ जाती है, ट्रैफिक की समस्या है, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए रास्ते एकदम नैरो है, तो विदाउट विजन जो काम गत 23 साल से हुआ उसको हम लोग आगे चल के अच्छा काम करेंगे और यहाँ की वसई नाला सुपारा विरार की जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ, आपके लिए आपके परिवार के सदस्य के नाते आपके सुख दुख में मैं हमेशा रहूँगा, एक आपका परिवार के नाते, परिवार का घटक के नाते, परिवार के मेंबर के नाते जो पूरी उम्मीद रख के यहाँ हजारों किलोमीटर लंबे से आए हैं, कोई मुंबई से आए, कोई देश के अन्य भागों से आए हैं, एक उम्मीद लेके आए थे कि नाला सुपारा हमें कम घर में घर मिलेगा, हम मुंबई में काम कर रोजी रोटी के कमाने के लिए अच्छे पानी मिलेगा, अच्छा हवा मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन उनका पूरा भ्रम निराश हो गया, वो पूरे बहुत दुखी है, मैं उसको विश्वास देता हूँ, केंद्र सरकार ने जो काम किया और हमारे महाराष्ट्र सरकार जो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी ने जो काम किया 5 साल में और अभी शिंदे साहब के नेतृत्व वाली सरकार जो काम करे, लाडले बहने हमारी जिनको पैसा आज अभी यहाँ नाला सुपारा विरार में 1.25 लाख से भी ज़्यादा 1.5 लाख महिलाओं को उसका लाभ मिला है और जो जो अभी लाभ देना बाकी है उसके लिए चुनाव के बाद हम लोग प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। एक भी बहनी हमारे ऐसी नहीं छूटनी चाहिए कि जिसको लाभ नहीं मिला है, सरकार हमारी महाराष्ट्र में फिर बनने जा रही है, पर आपके माध्यम से सभी बहनों को बोलता हूँ कि हमारे सरकार ने जो वादा किया था आपको कायम लाडली बहनों का पैसा जो मिलता है वह हमेशा चल रहेगा, किसानों को जो 1,000 रुपये 2,000 रुपये 3 महीने मिलता है वो भी चालू रहेगा और जो जो योजना और आने वाली सरकार हमारी अनेक योजना गरीब कल्याण की योजना, क्योंकि हमारा पार्टी का सिद्धांत गरीब कल्याण अंत्योदय, यही हमारा पार्टी का सिद्धांत है और सिद्धांत भी चलने वाली सरकार अभी महाराष्ट्र में आज है और आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार आएगी और उस सरकार में यहाँ का एक भी कमल निश्चित रूप से जाएगा, महायुति का कमल, भारतीय जनता पार्टी का कमल, और विकास क्या होता है यहाँ के जनता तो उसके बाद निश्चित रूप से आने वाले दिसंबर से निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा, 2024 से 29 साल ये एरिया के लिए विकास के लिए वो 5 साल हो गए, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ आपके माध्यम से, इस वसे विरार की जनता को विश्वास देता हूँ, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।